असलम स्टूडेंट्स मैं हूँ मोहम्मद तलहा आप लोग देख रहे हैं तलाश फेज अकेडमी तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये यूनिट थर्टीन यानी कि फिज़िकल ऑप्टिक्स के एम सी क्यूज़ के हवाले से होने वाली है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये जो दस या जितने भी एम सी क्यूज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे उनके पीछे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से If the लेंथ ऑफ एन electromagnetic वेव wave, जो वेव लेंथ है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इज अबाउट द डायमीटर ऑफ अ क्रिकेट बॉल यानी कि उसकी वेव लेंथ तकरीबन क्रिकेट बॉल के डायमीटर के बराबर है सो वॉट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इट वो कौन से टाइप की रेडिएशन हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी टाइप की हो सकती है अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए या क्वेश्चन नंबर टू जैसा आएगा आपको जो है ना बेसिकली याद होनी चाहिए रेंजेस जो वेवलेंथ है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो रेंजेस आप याद कर लो बहुत इजी हो जाएंगे इस किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ देखो आपको पता है ये स्टार्ट होती हैं रेडियो वेव्स से फिर आती हैं माइक्रोवेव्स फिर आती हैं इंफ्रा फिर आती हैं विजिबल रेडिएशन फिर आती हैं अल्ट्रा वायल्ट और फिर एक्स रेज और गैमा रेज आर एम आई वी यू एक्स जी सीधा सा इसको याद रखो रेडियो वेव्स की जो रेंज है वो होती है टेन रेज टू दावर थ्री माइक्रोवेव्स छोटी वेव्स होती हैं टेन रेज टू दावर माइनस टू माइनस टू के बाद माइनस फाइव माइनस फाइव के बाद माइनस सिक्स अल्ट्रा वॉलेट जो है वो चली जाती है माइनस एट में और टेन रेज टू दी पावर माइनस टेन और फिर टेन रेज टू दी पावर माइनस ट्वेल्व मीटर्स के अंदर जो है वो वेव लेंथ होती है तो अब अगर आप इस रेंज को याद कर लोगे जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर तो देखो ऑर्ड नंबर ही चल रहा है छः आठ दस बारह बल्कि टू भी है सिर्फ या फाइव जो है वो ऑर्ड आ रहा है यहाँ पर बाकी तो सब इवन में अब इनका जो क्वेश्चन था वो क्या था क्रिकेट बॉल के डायमीटर के बराबर है अब क्रिकेट बॉल का डायमीटर क्या है टेन रेस टू दिवा माइनस टू मीटर होगा नहीं वो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा ठीक है ना एक हज़ार मीटर और टेन रेस टू दिवा माइनस टू जो कि हो गया तकरीबन तो समझ लो एक सेंटीमीटर तो जाहिर सी बात है क्रिकेट बॉल का डायमीटर एक सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होता है इसका मतलब ये जो रेडिएशन है वो बेसिकली होनी चाहिए रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स जो है वो हो सकती हैं वेव्स जिनका डायमीटर जो है वो Uh, जिसके जो वेवलेंथ है वो क्रिकेट बॉल के डायमीटर के बराबर हो सकती है क्वेश्चन नंबर टू इलेक्ट्रो वेव जो है वो किसी अननोन सोर्स से आ रही हैं ठीक है ना कोई अननोन सोर्स है वहाँ से आ रही हैं स्पेस में एंड आर फाउंड टू बी डिफ्रेक्टेड और फिर वो जब आ रही हैं तो डिफ्रेक्ट हो रही हैं वन पासिंग थ्रू गैप्स ऑफ ऑर्डर टेन रेज टू दी पावर माइनस फाइव मीटर के गैप से जब वो पास होती हैं तो डिफ्रेक्ट हो जाती हैं विच टाइप ऑफ वेव आर द मोस्ट लाइकली टू बी तो इसमें से कौन सी वेव जो है वो पॉसिबल हैं जो हो सकती हैं अब मैं आपको बताऊँ बात डिफ्रैक्शन जो है किस गैप से डिफ्रैक्शन होता है जब जो गैप है वो आप याद रखिएगा ये मैंने आपको पहले के लिए बताया था दूसरे के लिए बता रहा हूँ कि जो गैप है जो डिस्टेंस है ना वो बेसिकली कंपेरेबल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटलीवल होना चाहिए टू द वेव लेंथ अगर आप चाहते हैं कि डिफ्रैक्शन हो जाए तो डिफ्लेक्शन के लिए शर्त यह है कि डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए यानी कि कंपेरेबल होना चाहिए अब ये जो बात कर रहे हैं वो गैप की बात कर रहे हैं टेन रेस टू दी पावर माइनस फाइव मीटर का गैप है अब देखो वो इनमें से किस से सबसे ज़्यादा कंपेरेबल आ रहा है सबसे ज़्यादा कंपेरेबल आ रहा है इंफ्रा रेड रेडिएशन के साथ जो कि टेन रेस टू दी पावर माइनस फाइव मीटर की ही उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है अगर तो ऑप्शन के अंदर इंफ्रा रेड है तो वही करेक्ट है वरना फिर करीब तो देखा जाएगा माइक्रोवेव्स अल्ट्रा वायल्ट रेडियो वेव्स इन्फ्रा रेड वेव तो अगर टेन रेज टू दी बार माइनस फाइव मीटर का गैप है तो वो इन्फ्रा रेड को सबसे ज़्यादा डिफ्रेक्ट करने की सलाहियत रखता है बिकॉज सबसे ज़्यादा कंपेरेबल उसी के साथ है नंबर थ्री हाइगेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव जो हाइगन का कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी वेव का उसकी मदद से हम क्या करते हैं हेल्प अस टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द थिक लेंस नहीं ये तो बिल्कुल बात ही नहीं है ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है इज़ अ ज्योमेट्रिकल मैथड टू फाइंड अ वेव फ्रंट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेलासिटी ऑफ लाइट इज़ यूज़ टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं है पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो मेलस लॉ के जरिए हम जो है वो फाइंड करते हैं ठीक है वेलासिटी ऑफ लाइट नहीं वेलासिटी ऑफ लाइट भी नहीं वेलासिटी ऑफ लाइट डिटर्माइन करने का तरीके कार डिफरेंट है एक्चुअली ये एक मैथड होता है जो कि डेफिनेशन में मैंने समझाया था हाइगन का जो कॉन्सेप्ट है जो हाइगन वेव थ्योरी है या वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है उसके वो एक जोमेट्रिकल मैथड है जिसके जरिए हम वेव फ्रंट की पोजिशन को मालूम कर सकते हैं या वेव फ्रंट को मालूम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुए यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी फ्रॉम अ डबल स्लेट स्क्रीन समझ लो एक डबल एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लेट इज रिड्यूस्ड जो इंटेंसिटी थी लाइट की उसको हमने रिड्यूस कर दिया एक वाले को द इफ़ेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी जो इफेक्ट होगा इंटरफेरेंस पैटर्न का वो क्या होगा अब देखिए बात यह है समझने वाली अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर को समझें तो होता यह है कि जो दोनों स्लिट्स होती हैं उनसे जो वेवलेंथ आ रही होती है जो लाइट आ रही होती है वो बेसिकली सेम इंटेंसिटी की होती है क्रस्ट आता है ट्रफ आता है क्रस्ट आता है फिर इसी तरीके से यहाँ से क्रस्ट आता है ट्रफ आता है क्रस्ट आता है और यहाँ पर जो है ना वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिजेस मिल जाते हैं स्क्रीन के ऊपर लेकिन अगर यहाँ से आने वाली किसी भी एक इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं ये रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है यहाँ से आने वाली एक इंटेंसिटी को उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो देखो ये कहाँ पर हो रहा था ये हो रहा था जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और ये डार्क आ रहा है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव कब होता है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव कब होता है जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कैंसिल होने के लिए दोनों की इंटेंसिटी का सेम होना जरूरी है सेम इंटेंसिटीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देती हैं और ब्राइट उतना ज्यादा होता है जितना इन दोनों की इंटेंसिटीज होती हैं और आपस में एड होके एक बड़ा आंसर देती हैं यानी समझ लो एक मैक्सिमम आंसर देती हैं और ये जो आंसर है ये मिनिमम आंसर है लेकिन अगर एक इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर देंगे तो याद रखो डिफरेंस ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा यानी कि जो डार्क फ्रिंज बन रहा था ना वो मुकम्मल तौर पे डार्क नहीं होगा क्योंकि दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल नहीं रही इक्वल होता है तभी तो आंसर जीरो आता है तो एक ही कम हो गई एक की ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब जो डार्क फ्रिंज होगा उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो नहीं आएगा यानी कि जो डार्कर फ्रिंज बन रहा था वो थोड़ा सा आ, हल्का डार्क होगा या कह लो कि वो थोड़ा सा ब्राइटर होगा इसी तरीके से अगर जब दोनों बराबर थी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी पर अगर इसमें से कोई भी एक इंटेंसिटी कम हो गई तो जो आप आंसर है वो उतना मैक्सिमम भी नहीं आएगा यानी कि जो डार्कर फ्रेंच था वो अब उतना डार्कर नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा ब्राइटर होगा और जो ब्राइट फ्रेंच था वो अब उतना ब्राइट नहीं रहेगा बल्कि उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजेस बिकम्स ब्राइटर नहीं ऐसी बात नहीं है ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बिकम डार्कर नहीं ब्राइट फ्रेंजेस बिकम ब्राइटर ब्राइट फ्रिंजिस क्या बढ़ रहे नहीं. Bright fringes becomes darker. हैं नहीं ब्राइट फ्रिंज बिकम्स डार्कर जी हाँ ब्राइट फ्रिंजस की थोड़ी सी डार्कनेस कम हो रही थी और डार्क फ्रिंजेस थोड़े से कम डार्क या हम कह सकते हैं कि थोड़े से ब्राइटर हो रहे थे तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का होगा ब्राइट फ्रिंज बिकम डार्कर एंड डार्क फ्रिंज बिकम्स ब्राइटर नंबर फाइव इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वैन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड जो डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान का उसको भी डबल कर दिया और जो डिस्टेंस है स्क्रीन का उसको भी डबल कर दिया वाइल द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स जो सेपरेशन ऑफ़ द स्लिट्स था उसको हाफ कर दिया सॉरी पढ़ने में गलती हो गई जो स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया और जो सेपरेशन थी स्लिट्स की उसको हाफ कर दिया तो बताइए फ्रिजेस पे क्या असर पड़ेगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव अब देखिए फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला आपने याद रखना है फ्रिंज uh, स्पेसिंग का फार्मूला क्या है फ्रिंज स्पेसिंग होती है लेमडा एल ओवर डी एल जो है वो लेंथ है डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान का और ये है स्लिट सेपरेशन अब ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस था उसको हमने मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया और जो स्लिट सेपरेशन था उसको हमने हाफ़ कर दिया तो अब जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा तो जो नई फ्रिंज स्पेसिंग है डेल्टा एक्स प्राइम कर देते हैं वो हो जाएगा लेमडा लेंथ हो गई ट्वाइस और ये जो है ये हो गया हाफ वन अपॉन टू ऑफ डी के ये टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कह सकते हैं टू टू जार फोर लेमडा एल ओवर डी यानी कि जो अब नई फ्रिंज स्पेसिंग है डेल्टा एक्स डैश uh, वो हो जाएगी चार गुना एक्चुअल डेल्टा एक्स के या एक्चुअल डेल्टा एक्सर इसका मतलब फ्रिंज स्पेसिंग चार गुना हो जाएगी इस केस के अंदर फोर टाइम्स ठीक है ना एक करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स आ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इन टू वाटर रे ऑफ लाइट है एयर से वाटर में आ रही है इज स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्टी फाइव डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज पे वो आके टकरा रही है विच ऑफ दिस क्वान्टिटीज़ चेंज एज द लाइट एंटर्ज अ वाटर ठीक है एक कॉमन सी बात है इसको याद रखना है और इस जैसे कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या ये है रहें कि लाइट से वाटर के अंदर जो है वो रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है अब रे ऑफ लाइट को बेसिकली ऐसे करके जाना चाहिए था ये इसका रास्ता था लेकिन जैसे ही रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में दाखिल होती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो वो बैंड हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे करके बैंड हो जाती है तो देखो एक तो कन्फर्म हो गया कि क्या चीज़ चेंज हो गई डायरेक्शन चेंज हो गई फिर क्या चेंज होगा यहाँ पर जो लाइट ट्रैवल कर रही है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और पानी में स्पीड जो है वो कम हो जाती है ये स्लो होती है इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो गई ठीक है फिर थोड़ा सा जब वाटर के अंदर दाखिल होती है तो जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है जो कि डिपेंड करती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे जो नई वेवलेंथ होती है वो एक्चुअल वेवलेंथ का डिवाइड बाय एन होता है और एन आपको याद रखना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट एंटर होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो डायरेक्शन भी चेंज होती है स्पीड भी चेंज होती है वेवलेंथ भी चेंज होती है याद रखिएगा सिर्फ एक ही चीज़ है जो चेंज नहीं होती जो हमेशा सेम रहती है जिसके मुताबिक कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है सेम रहती है अब आइए ऑप्शन देखते हैं रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है तो बताएं कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती हैं मैंने आपको बताया तीन क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं क्या क्या चेंज हो रहा है वेवलाइन uh, चेंज हो जाती है स्पीड चेंज हो जाती है डायरेक्शन चेंज हो जाती है यानी कि वन भी चेंज हो रहा है थ्री भी चेंज हो रहा है फोर भी चेंज हो रहा है तो वन थ्री फोर ओनली यह हमारे पास सी जो कि चेंज होगा टू कभी भी चेंज नहीं होगा तो टू यहाँ पर आ रहा है गलत हो गया और थ्री एंड फोर ओनली नहीं थ्री एंड फोर नहीं बल्कि वन भी चेंज होगा विवलन भी चेंज होगी ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ठीक है जी अगले सवाल पर आइए क्वेश्चन नंबर सेवन एक हिल जो है वो सेपरेट कर रही है टीवी ट्रांसमीटर को और एक घर से ठीक है दरमियान में समझ लो एक पहाड़ी आ रही है द ट्रांसमीटर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस बट स्टिल द टीवी इन द हाउस हैड गुड रिसेप्शन वॉट wave phenomena मेक इट पॉसिबल मैं आपको पहले फिनोमना बताता हूँ फिर समझाऊँगा इस फिनना को कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ वेव ठीक है किसी ऑप्स्टिकल से टकरा के बेंड हो जाना लाइट वेव्स का इसे कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ वेव और वो ही होता है सेवन में बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो दरमियान में कोई पहाड़ी वगैरह आ रही है ठीक है और यहाँ पर जो है वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो वेव्स को जो है वो इवेट कर रहा है ठीक है और जो हाउस है वो यहाँ कहीं पर मौजूद है अब आप देख सकते हैं कि जो हाउस है और जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसके दरमियान में तो ये आ रहा है लेकिन होता ये है कि जब लाइट वेव्स सॉरी रेडियो वेव्स ये एमिट करता है तो रेडियो वेव्स डिफ्रेक्ट भी होती हैं इससे टकरा कर बैंड भी होती हैं और बेंड होने के बाद फिर यहाँ पे घर के टीवी तक पहुँच सकती हैं तो किसी भी वेव का किसी ऑप्शिकल से रुकावट से टकरा के मुड़ जाना बेंड हो जाना इसे डिफ्रेक्शन कहते हैं क्वेश्चन नंबर एट मोनोक्रोमेटिक लाइट है इंसिडेंट हो रही है ऑन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर आके टकरा रही है एंड अ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व और डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है जैसा कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हमने पढ़ा था विच इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाई रिप्लेसिंग द ग्रेटिंग विद वन दैट हैज मोर लाइन्स पर मिलीमीटर ज्यादा लाइन्स पर मिलीमीटर हैं तो बताइए कि कौन सी बात सही है अब अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे ना तो चारों ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात होती है और फिर नंबर ऑफ मैक्सिमा के अलावा बात होती है फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के दरमियान के एंगल की बस यही फ़र्क आ रहा है अब मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूँ क्वेश्चन नंबर एट बेसिकली जो फॉर्मूला है एम लेमडा बराबर होता है डी साइन थीटा के और डी बराबर होता है डी बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ठीक है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस होता है अब ये कह रहे हैं मोर नंबर ऑफ लाइंस हैं ठीक है क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे थे क्वेश्चन के अंदर कहा था कि ज़्यादा लाइंस पर मिलीमीटर हैं इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने लाइंस की तादाद को बढ़ा दिया तो लाइन्स की तादाद को बढ़ा दिया तो इसका मतलब हमने डी को इनक्रीज़ कर दिया ओ सॉरी उल्टा लिखा हुआ ना जब हमने बढ़ा दिया तो हमने डी को डिक्रीज़ कर दिया अगर डी को डिक्रीज़ कर दिया तो यहाँ से ज़रा एम की वैल्यू को अलग करो नंबर ऑफ मैक्सिमास को अलग करो तो डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा होता ठीक है।, है अब अगर डी डिक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ मैक्सिमा है या जो इंटरफेरेंस पैटर्न की तादाद थी उसमें कमी आ जाएगी तो ये बात तो कंफर्म है कि एम कम हो रहा है नंबर ऑफ़ मैक्सिमा डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस ए में भी आ रहा है और नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेज बी में भी आ रहा है जबकि सी और डी में तो इनक्रीजेज आ रहा है तो इसका मतलब सी और डी तो सीधा सीधा गलत हो गए तो दूसरी बात आप ये बात समझ जाओ कि अगर तो मैक्सिमा की तादाद डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ना तो अब इसका मतलब जो फ्रिजेज हैं या जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे थे वो एक दूसरे से दूर बनने लगेंगे भाई जब मैक्सिमा की तादाद ही डिक्रीज हो गई है यानी कि अब जो पैटर्न है जो ब्राइट फ्रिजेज हैं वो कम बन रहे थे ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अब वो एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं यानी कि फैल सकते हैं तो अगर मैक्सिमम डिक्रीज होंगे तो याद रखिए जो एंगल है पहले और दूसरे मैक्सिमा के दरमियान का वो इंक्रीज हो जाएगा करेक्ट आंसर बी होगा मैक्सीमास की तादाद बढ़ती है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि उनको क्लोज आना पड़ता है और मैक्सिमा की तादाद जब डिक्रीज होती है तो इसका मतलब जो पहले दूसरे या दूसरे तीसरे के दरमियान का एंगल है उसको इंक्रीज होना पड़ेगा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्टिकली एक्ट एक्टिव सब्सटेंसिस आर दो सब्सटेंस ये डेफिनेशन है सीधी सीधी जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैं ये वो सबस्टेंसेज होते हैं ए जो प्रोड्यूस करते हैं पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट यही जवाब है बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज वो होते हैं जो कि रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट को ठीक है ना इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट जो है प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है किसी पोलोराइड से ऑन वीइंग थ्रू द पोलराइड जब हम पोलराइड्स के थ्रू देखते हैं तो जो पोलराइड है उसको एक कंप्लीट रोटेशन दी जा रही है ठीक है तो अब ये बात देखिए ज़रा कौन सी सही रहेगी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी जीरो से और फिर ज़ीरो ही रह जाएगी जब पूरा एक टर्न दे रहे हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी मैक्सिमम होगी और फिर मैक्सिमम पे रुक जाएगी या फिर कोई चेंज नहीं होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी करेगी कि दो मरतबा मैक्सिमम होगी और दो मरतबा ज़ीरो होगी समझते हैं इस बात को क्वेश्चन नंबर टेन देखो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है यानी कि वो इसी तरीके से लाइट ट्रेवल कर रही है ठीक है अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके सामने एक प्लोराइड रखता हूँ और ऐसा प्लोराइड है जिसमें फिलहाल जो एक्सेस है वो ऐसा है एक्सेस तो इसका मतलब ये लाइट यहाँ से गुजर जाएगी जब वो इस फॉर्म में होगा इसका मतलब मैक्सिमम लाइट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन अगर इसको मैं अभी घुमाना शुरू करता हूँ तो घुमाते घुमाते अगर इस तरीके से घुमा रहा हूँ तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो लाइंस हैं ये इस तरीके से हो जाएंगी नतीजे में कोई लाइट पास नहीं होगी क्योंकि आप देखो जो इसका एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन है और जो लाइट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी तो इसका मतलब कोई लाइट यहाँ पर नहीं पहुँचेगी फिर और घूमते घूमते अभी तो सिर्फ नाइन्टी डिग्री घूमा है अब जब ये घूमते घूमते वन डिग्री हो जाएगा तो वन डिग्री पर क्या होगा ये दोबारा से घूम के कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा उल्टा हो जाएगा समझ लो अगर ये इस वाल ये वाला पॉइंट था तो घूमते घूमते अब ये पॉइंट इधर कहीं पर आएगा लेकिन लाइनें तो ऐसी ही होंगी ना अब अगर लाइट यहाँ से गुजरेगी तो लाइट यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच जाएगी और फिर घूमते घूमते जब दोबारा से ये टू सेवेंटी पर आएगा मैं इसको अभी भी घुमा रहा हूँ और इस तरीके से घुमाऊँगा तो फिर ये इस कंडीशन में आ जाएगा जब इस कंडीशन में आएगा और यहाँ से लाइट गुजरने की कोशिश करेगी तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी लाइट हमें नहीं मिलेगी इसका मतलब ज़ीरो डिग्री पर जब था तो मैक्सिमम लाइट गुजर रही थी नाइन्टी डिग्री पे कोई लाइट नहीं वन एटी पर मैक्सिमम हो गई और फिर टू सेवेंटी डिग्री पे दोबारा से क्या हो गया कोई लाइट नहीं है और टू सेवेंटी के बाद अगला वाला स्टेप जो है वो यही वाला आ जाएगा इसका मतलब देखो दो मरतबा मैक्सिमम लाइट गुजर रही है और दो मरतबा कोई लाइट नहीं गुजरेगी अगर एक कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर होगा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी सच दैट इट इज़ ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस ज़ीरो ठीक है जी ये हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिकल ऑप्टिक्स के आई होप आपको समझ में आगे होंगे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूँगा दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़